शांत रहो। मोटू, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? तैयार? अभी अभी नहीं तो कभी नहीं। रास्ता साफ है, सब लोग सो रहे हैं। कहाँ जाना है? हमें मिस्र का पुराना खजाना ढूंढना है मोटू। मुझे बहुत भूख लगी है। बस भी करो, तुम्हारी इस भूख की वजह से हम पकड़े जाएंगे। अब सुनो, ठीक है, किसी ने कुछ सुना नहीं, आओ मेरे पीछे। ठीक है। तुम्हें पता है कहाँ जाना है? खजाना यही के आसपास होना चाहिए। तुम्हें लगता है इन्होंने रसोई बनाई होगी? मोटू, अपना पूरा ध्यान सिर्फ खजाना ढूंढने पर लगाओ, समझे? क्या कहा था रेगिस्तानी चूहे ने? उसने कहा कि प्राचीन मिस्र ने राजाओं को अनमोल खजानों के साथ दफनाया जाता था। देख के ध्यान से चलो मोटू। गलती से हो गया। ठीक है मोटू, देखो हम शायद पास पहुंच गए। कैसे पता? क्योंकि ये प्राचीन मिस्र के देवता की मूर्ति है और उनके हर मंदिर के प्रवेश द्वार पर ये दिखाई देती है। आओ चलो, अब चले यहाँ से। आ जाओ मोटू। शुक्रिया। चलो दरवाजा ढूंढते हैं। थोड़ी देर रुको, सांस तो लेने दो यार। आओ देखते हैं। कितना प्यारा नजारा है। रुको, भुट्टा है यहाँ। तुम्हें यहाँ ऊपर होना चाहिए मेरे पास, और तुम्हें खाने की पड़ी है। मैं जानता था भुट्टा है, मेरी नाक कभी धोखा नहीं खा सकती। ये ये हिल क्यों रहा है? हम कहाँ हैं? पता नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम क्या कर रहे हो? खो रहा हूँ। ऐसे वक्त पर भी तुम ये कर रहे हो? धन्य और बहादुर सज्जनो। तुमने कुछ कहा क्या पतलू? मुझे लगा कि तुमने कुछ कहा। कौन बोला ये? चूहों की महान राजा की कब्र पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 3,000 सालों से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। तुम जानते हो ये कोई बुरा सपना है? सपना देख रहे हैं। 3,000 साल से मैं इस अंधेरी सुनसान जगह पर आपके लौटने का इंतजार कर रहा था कि कब वो भविष्यवाणी सच होगी। तुम मोटू और पतलू हो ना? हाँ तुम सही कह रहे हो, पर तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? रेटमोसिस हो। रेटमोसिस? हाँ, महान राजा की कब्र का रक्षक। वही जगह जहाँ उसे दफनाया गया था? सही फरमाया हुजूर, पिछले 3,000 सालों से मैं इस जगह की और खजाने की रक्षा कर रहा हूँ। बताओ कहाँ है? जल्दी दो। बिल्कुल वही जहाँ आप खड़े हैं। मजाक कर रहे हो ना? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसकी वजह ये है कि 3,000 साल पहले गीदड़ों ने यहाँ पे हमला किया और सारा खजाना चुरा ले गए। सब ले गए? सब ले गए। हमारे महान राजा ने इसके लिए भविष्यवाणी की थी, जो कि मिस्र के सभी रेगिस्तानी चूहों के बादशाह और महान शासक थे। हम यहाँ खजाने के लिए आए हैं, इतिहास के लिए नहीं। और वो भी 3,000 साल पुराना। जो आपकी मर्जी हुजूर, मुझे आदेश है कि मैं आपको उस खजाने तक पहुँचाऊँ जो सिर्फ आपके लिए अलग से रखा है। सच में? तो फिर तुमने किसी और को हमारा खजाना चुराने कैसे दिया? तुम्हारा मतलब हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा? खजाने की रक्षा नहीं कर सकते थे क्या? पर आपका खजाना अभी भी यहाँ है, हमेशा की तरह। अच्छी बात है, वैसे कोई हमारा मजाक इस तरह नहीं उड़ाता। लगता है इसी ने चुराया है, और अगर ऐसा है तो मैं इसे सबक सिखा के रहूंगा। हुजूर सुनिए, मैं समझाता हूँ। ठीक है, पर भरोसे वाली बात करना। ये तो सिर्फ कब्र का प्रवेश द्वार है, अंदर जाने पर लगभग
50 और कमरे हैं, जिनमें राजवंश की ममीज को रखा गया है। वो कमरा पहली मंजिल पर है। इस तरफ आइए। ये कब्र है चूहों के महान राजा की और उनकी खूबसूरत रानी की, जिनकी खूबसूरती की बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया। सुंदर राजा रानी की ममीज को उनके सारे खजाने के साथ यहाँ रखा गया है। सच में? थोड़ा और सब्र हुजूर, बस हम पहुँच ही गए हैं। ये वो पवित्र जगह है मेरे महान राजा की। प्राचीन मिस्र के रेगिस्तानी चूहों के बादशाह जो थे और उनकी रानी जो दुनिया की सबसे हसीन हस्ती थी, यहीं पर आराम किया करते थे। क्या तुमने पहले कभी इतनी खूबसूरती देखी है? कमाल है। पर ये बताओ खजाना कहाँ पर है? फिक्र मत करिए, हम पहुँच ही रहे हैं, आइए मेरे साथ। मुझे यकीन नहीं होता मोटू कि हम बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं। मुझे उस पे विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं, इस बार मुझे लगता है निशाना सही लगा है। चलते रहिए। ये मूर्ति है महान राजा की। थोड़ा पास आइए हुजूर, आप पहुँच ही गए। मुझे तो कहीं खजाना नहीं दिख रहा। और मुझे भी नहीं, अब तो मुझे लग रहा है जरूर कोई गड़बड़ है। परेशान मत होइए। ये तो एक गुप्त रास्ता है। खजाना नीचे है हुजूर, आपका इंतजार कर रहा है। चलिए। चलते रहो मोटू। इस तरफ आइए हुजूर। बंद हो गया दरवाजा। तुम्हारे पास दरवाजे की चाबी तो है ना? बिल्कुल हुजूर, मैं पिछले 3000 सालों से इस जगह की सुरक्षा कर रहा हूँ। देखो मोटू, इस पल का हमें कब से इंतजार था। थाले लाते। देखो। हैं? क्या क्या ये? अरे ये तो हम हैं। कितने बहादुर लग रहे हैं ना हम दोनों। हम कितने अच्छे लग रहे हैं। देखा आपने, हम आपका इंतजार कर रहे थे। ये बात तय थी कि आप दोनों यहाँ लौट कर आएंगे। ये तस्वीर 3000 साल पुरानी है। तुमने देखा, हमारा खजाना हमारे हाथों में है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे महान राजा भविष्य वक्ता थे। वो पहले ही जान चुके थे कि आपकी किस्मत में यहाँ ना लिखा है किसी भी हालत में। और वो खजाना? उसे हमारे हवाले कर दो। वो मेरा नहीं है हुजूर कि आपको दे सकूं। हमें इस बात का यकीन हो जाए कि आप असल में मोटू और पतलू हो, कोई ढोंगी नहीं, फिर ये खजाना आपका होगा। क्या तुम्हें इस बात का यकीन नहीं कि हम कौन हैं? ये मैं तय नहीं कर सकता। तो फिर ये कौन बताएगा? मेरे महान राजा ने खास योजना बना के रखी थी ये बात जांच करने के लिए कि आप मोटू पतलू हो या नहीं। ये यंत्र जो आप देख रहे हैं, ये खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है, जांच करने के लिए। मजेदार लगता है। इसे छूना नहीं। क्यों नहीं? तुमने तो कहा कि ये हमारे लिए बनाया गया था। ये कोई खिलौना नहीं है, ये एक यंत्र है जो तय करेगा कि आप इस खजाने के हकदार हैं या नहीं। जब आप इस पर खड़े हो जाएंगे तो ये यंत्र आपका बिल्कुल सही वजन बताएगा, और अगर आपका वजन राजा के बताए वजन के बराबर निकला तो खजाने का दरवाजा खुल जाएगा। भुट्टा खाने की वजह से मेरा वजन ज्यादा आएगा। और अगर इस परीक्षा में आप असफल रहे और आपके वजन में फर्क आया तो फिर क्या होगा? तो आपको सजा दी जाएगी पावन भूमि की पवित्रता को भंग करने के जुर्म में। क्या सजा? राजा की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई। इस बार हुए तो फिर तुम दोनों को सजा भुगतने ही पड़ेगी। खैर छोड़ो, अगर तुम दोनों मोटू और पतलू हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना? चलो फिर से वो तस्वीर देखते हैं। जिसने भी ये बनाई है उसने मुझे कितना दुबला दिखाया है, वो गलत थे, अब सजा होकर ही रहेगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे मालिक पर शक करने की? जो कोई उनका मान करेगा उनकी तो खैर नहीं। मोटू, तुम्हारे पेट की वजह से हम हमेशा मुसीबत में फंस जाते हैं। बहुत हो गया है, समय आ गया है यंत्र पे खड़े होने का। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें खजाना। तुम हमें बस बाहर तक छोड़ दो। मैं आदेश देता हूँ, यंत्र पे खड़े हो जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। अब मुझे लग रहा है कि तुम दोनों ढोंगे ही हो। ये
सब तुम्हारी गलती है मोटू। देखो उधर मरने वाले हम। ओ नहीं नहीं नहीं। बचाओ क्या? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं। 3000 साल बाद मैं आज आजाद हो गया हूँ, पर अभी भी एक काम बाकी है और वो है आप दोनों को राजा के पास लेके जाना। पर हमें उनसे क्यों मिलना होगा? तो बताओ। ये राजा रानी की इच्छा है कि वो चाहते हैं खुद आपसे मिलकर एक और खजाना दें। इस तरफ आइए। इधर। समय की सुरंग से। समय? सुरंग? पर ये खजाना वापस लेने के लिए हम यहाँ दोबारा आएंगे ना? ये खजाना सिर्फ आपका है हुजूर, बस जल्दी करिए वरना ये दरवाजा बंद हो जाएगा। आ जाओ मोटू, रूम तैयार है। क्या हो रहा है? देखो कितनी सुंदर जगह है। वाह हम कहाँ हैं? कितनी सुंदर जगह है। शायद ये स्वर्ग है। तुमने वो सारा खाना देखा? नहीं देखो। हुजूर मैं आप दोनों को बताना चाहता हूँ कि इस महल में आपको कोई देख या सुन नहीं सकता। इन सब के लिए जैसे आप यहाँ है ही नहीं। पर ऐसा क्यों है? बताता हूँ, जब आप समय में यात्रा करते हैं तब ऐसा ही होता है। जिनके पास खास शक्तियाँ होती है सिर्फ वही आपको देख सकते हैं, और ये शक्तियाँ सिर्फ महाराजा और रानी के पास है। चलिए हुजूर। सब कुछ कितना शांत है। मुझे फिर भी डर लग रहा है पतलू। हम पहुंच गए। मुझे यकीन नहीं होता कि हम ये सब कुछ देख रहे हैं। मिश्र के राजा, कितना मजा आएगा जब हम अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएंगे। शांत रहिए, तमीज से पेश आइए हुजूर। ओ मेरे महान राजा, आपका यह सेवक आपको प्रणाम करता है। ये समुद्री लुटेरे हैं जो भविष्य से यहाँ पर आए हैं। मोटू हाथ जोड़ो। शुक्रिया रेटमोसस। कितनी सुंदर है। आपकी सेवा करके बहुत ही खुशी हुई हुजूर। आशा करता हूँ कि आपके आने वाली जिंदगी खुशियों से भरपूर रहे। मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया। हम चाहते हैं कि आपके खजाने का सबसे अनमोल भाग हम खुद आपको दें। इन पदकों पर हमारी खास शक्तियों के चिन्ह लगे हैं। ये पदक केवल वो ही धारण कर सकते हैं जिनके पास इन्हें पहचानने की क्षमता हो। इनमें जादुई शक्तियाँ हैं। आप दोनों इधर आइए ताकि हम आपको ये पदक प्रदान कर सकें। ये पदक पहनकर आप यशस्वी और समृद्ध बने। हमारे सबसे ज्ञानी सूत्रों के अनेक साल का अभ्यास और खोज ये बताते हैं कि केवल आप दोनों ही हैं जो हमारे इस पवित्र जादुई पदकों को प्राप्त करने के योग्य हैं। अच्छे के लिए, सुधार के लिए इसका उपयोग समझदारी और जिम्मेदारी से करना। कहीं दिखे नहीं? मैंने हर जगह देखा पर वो नहीं मिले।
हो सकता है उन दोनों ने तय किया हो किसी और जहाज पर जाकर चोरी करें। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेंगे। जहाँ तक मैं पतलो और मोटो को जानता हूँ वो कहीं खजाने की खोज में होंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग उनके लिए क्यों रुके हैं। छोड़ दो, चलते हैं आगे। क्या कह रहे हो सैम? तुम जानते हो कि हम अपने किसी भी दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उनको ढूंढने में मदद करो। हम सबको अलग अलग दिशा में ढूंढने जाना चाहिए। मुझे मोटो की टोपी मिली। अरे नहीं, वो वहाँ उस खंडर में है। मेरे साथ चलो, ज्यादा दूर नहीं है। किधर है ये? और ये बीच में कैसे फंस गई? पता नहीं, हो सकता है वो यहाँ आए हो। ये क्या कहना चाहता है? काश हमारी तरह ये बोल पाता, मैं तो इसे समझ ही नहीं पाता। अरे ये पत्थर हिल रहा है, शायद ये कोई रास्ता है। हमारे दोस्तों को पत्थर के नीचे कोई नहीं रख सकता। एक बात तो पक्की है कि वो दोनों यहाँ से गुजरे हैं। तुम्हें यकीन है? तुम पत्थर भी सूंघ सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ। मेरी नाक झूठ नहीं बोलती। चलो इसे खोलने की कोशिश करते हैं। सब बड़े पत्थर लेकर आओ। जोर से सैम, जोर से। ये क्या कर रहे हो? लगता है तुम अपनी तरकीब लगा रहे हो फ्लैश। ये दोनों तो बेहोश हो गए हैं। उन्हें बाहर निकालना होगा। मैं जाता हूँ। रुको सिम्बा, अगर तुम बुरा ना मानो तो ये काम मैं कर सकता हूँ। राजा के गिरने का खतरा हम नहीं ले सकते। इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, पर धड़कन मिल रही है। जल्दी दवा निकालो। ये लो। और नहीं, काफी टूटी है। लग तो नहीं रहा। खजाना भूला पत्तू। ये सब क्या हो रहा है? रैट मॉसिस कहाँ हो तुम? लगता है दोनों सर के बल गिरे हैं। रैट मॉसिस दरवाजा खोलो, हमें खजाने के लिए आना है। उठो जल्दी तुम दोनों, वो एक सपना था जो खत्म हो चुका है। अभी भी ये दूसरी दुनिया में ही है। आखिरकार। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। तुम लोगों को चोट लगी होगी ना, खजाना ढूंढने के चक्कर में गए थे ना। नहीं तुम गलत हो, हमें कोई सर पर चोट नहीं लगी है। हाँ खजाना मिला, पर हम मिले दुनिया के सबसे खूबसूरत राजा रानी से। मुझे लगता है कि अब हमें आगे चलना चाहिए। तुम दोनों का क्या ख्याल है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, इनका ख्याल रखेंगे। हम चल नहीं सकते। बकशॉट, क्या तुम औरों को संदेश दोगे? जरूर, मैं सबको इस बात की खबर दूंगा। सच में हम मिश्र के राजा रानी से मिले। तुम्हें यकीन नहीं होता ना, पर ये सच है, हमारी उनसे मुलाकात हुई। हे एलेक्स, कब तक ऐसी बातें करेंगे? चलो भी।
तुम्हें क्या लगता है जो कुछ भी हुआ वो सच था या एक सपना था? मैं जानता था वो सपना नहीं था। रुको, मैं भी अपने जादुई पदक निकाल कर देखता हूँ। ये बात किसी को बताना मत, वो हमें पागल समझेंगे। इससे कौन सा जादू होता है और ये कैसे काम करता है? पता नहीं, अभी इस बात को किसी से कहना नहीं है, सही वक्त आने पर हमें पता लग ही जाएगा। सही सोचा तुमने। चलो अब यहाँ चलते हैं। मोटू और पतलू ये जानते हैं कि राक्षस टू ने उन्हें जो मुद्रा दी है वो अनमोल है, पर ये मुद्रा उन्हें किस तरह की शक्तियाँ देगी? क्या वो दोनों उनके दोस्तों को आने वाले खतरों से बचा पाएंगे? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।